दिल्ली में आज इंडिया ब्लॉक की मेगा रैली हो रही है। लोकतंत्र बचाओ को विपक्ष के तमाम नेताओं ने संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने अपने संबोधन में लोकतंत्र पर हमला होने की बात कही है। इस दौरान जब कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था तब तो मंच पर पोडियम के नीचे केजरीवाल का पोस्टर नजर आया, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। दरअसल रैली शुरू होने से पहले पोडियम के ठीक नीचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पोस्टर लगा हुआ था। कहा जा रहा है कि इसे लेकर कांग्रेस और एनएसयूआई के सदस्यों ने विरोध किया। पोस्टर में केजरीवाल की सलाखों के पीछे दिखाया गया। विरोध के बाद पोस्टर को मंच के नीचे हटा दिया गया। हालांकि पर्दे के पीछे क्या हुआ अभी तक साफ नहीं हो रहा, लेकिन यह साफ था कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कई गठबंधन सहयोगियों की तुलना में मंच पर बहुत देर से पहुंचा और तब तक यहां पोस्टर हट चुका था। कांग्रेस पहले भी इस बात पर जोर दे चुके हैं कि यह एक व्यक्ति केंद्रित रैली। शनिवार को ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि यह किसी व्यक्ति विशेष पर केंद्रित रैली नहीं है, इसलिए इसे लोकतंत्र बचाओ रैली कहा जा रहा है। यह किसी एक पार्टी की रैली नहीं है, इसमें करीब 27 से 28 दल शामिल है। इंडिया ब्लॉक के सभी घटक इस रैली में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, उनकी इस टिप्पणी को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता इस रैली को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में आयोजित रैली के रूप में पेश कर रही थी। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।